डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है, मैं एक साइकेट्रिस्ट सेक्सोलॉजिस्ट डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। केड़कर हॉस्पिटल हमारा हॉस्पिटल है, अकोला ये महाराष्ट्र में इंडिया में हॉस्पिटल है, साइकेट्री हॉस्पिटल है और मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है कैनाबिस इंड्यूस साइकोसिस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गांजा या भांग से जो निर्माण होता है साइकोसिस, मतलब मेंटल इलनेस, वो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये जो गांजा है या भांग है या मैरिजुआना है, इसको हम कैनाबिस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स बोलते हैं, कैनाबिस में आता है। ये अलग 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 देशों में, अलग अलग राज्यों में, इंडिया के अलग अलग रूप में पाया जाता है। जो हमारे यहाँ महाराष्ट्र में और विदर्भ में भांग और गांजा ये दोनों बहुत ही ज्यादा प्रमाण में पाए जाते हैं और इलीगली ये बेचे जाते हैं। ये बेसिकली स्पेशली स्लम्स में या छोटी छोटी जहां जगह है वहां ये मिलते हैं, और साथ में जो हाई क्लास रिच लोग है वहां भी ये चीजें पाई जाती है। अब गांजा लेने के कारण होता क्या है? गांजा या भांग थोड़े प्रमाण में अगर लिया तो इसका कोई भी सिम्टम दिखता नहीं है, लेकिन अगर ये हम ज्यादा प्रमाण में लेते गए तो इसका जो इफेक्ट है वो ब्रेन पे होने लगता है। गांजा या भांग से निर्माण हुए जो प्रॉब्लम है वो इस प्रकार है। नंबर एक, पेशेंट का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, पेशेंट को साइकोसिस निर्माण हो सकता है गांजा या भांग के कारण। साइकोसिस मतलब पेशेंट मारामारी करने लगता है, उसका जजमेंट बिगड़ जाता है, वो तोड़फोड़ करने लगता है, अपने बीवी पे, अपने बच्चों पे संशय तैयार करता है। संशय मतलब उनको लगता है कि ये मेरे बच्चे जो है, मेरी बीवी जो है, मेरे खिलाफ है, मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर है, वो मारामारी करने लगता है, उसे कानों में आवाज आने लगती है, वो खुद से बड़बड़ाने लगता है, वो नशे में धुत होने लगता है, वो अपना काम धंधा छोड़ देता है। ऐसे अलग 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 प्रकार के जो साइकोसिस के लक्षण है वो कैनाबिस मतलब गांजा या भांग के कारण हमें दिखाई पड़ते हैं। होता क्या है, अगर पेशेंट को हमने रोका तो पेशेंट मारामारी करता है और पेशेंट जान बुझ के भागना चालू कर जाता है, क्योंकि अगर गांजा नियमित समय पर अगर पेशेंट ने लिया नहीं तो पेशेंट को उसकी क्रेविंग होने लगती है। क्रेविंग मतलब अगर उसकी संख्या गांजा या भांग की संख्या ब्लड में अगर कम हो गई तो पेशेंट को फिर बहुत ही ज्यादा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन महसूस होता है और पेशेंट को लगता है कि मैं कुछ भी करके वो गांजा या भांग पीऊं या खाऊं। इस कारण अलग 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 प्रकार के सिम्टम्स गांजा के कारण हमें दिखाई पड़ते हैं। हम रोज करीब करीब 4 से 5 पेशेंट देखते हैं जिन्होंने गांजा या भांग या चिलम में जो गांजा डालकर पीते हैं उनके कारण जो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है वो हम रोजमर्रा में जिंदगी में देखते हैं। गांजा के कारण मेनिया भी दिखाई पड़ता है। गांजा के कारण जो मेनिया होता है उसमें पेशेंट बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बड़े बड़े पैसे खर्च करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े कपड़े, ज्यादा पैसा खर्च करना, अलग अलग प्रकार बैंक से लोन लेना, ऐसे अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स भी पेशेंट को गांजा के कारण दिखाई पड़ते हैं। ये पेशेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि पेशेंट का जजमेंट खो जाना। पेशेंट को ये ध्यान में नहीं आता कि मैं कितने संख्या में गांजा और भांग ले रहा हूं, और एक लेवल के बाद पेशेंट का जो प्रमाण है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि जो ओरिजिनल अमाउंट है वो पेशेंट को किक देता नहीं है, इसलिए धीरे धीरे पेशेंट की जो संख्या है वो बढ़ने लगती है। साथ ही में गांजा या भांग के कारण पेशेंट को डिप्रेशन भी आ सकता है। डिप्रेशन या एंग्जाइटी मतलब पेशेंट को टेंशन आना, उदास लगना, लो मूड रहना, जिसको हम हमारी भाषा में अमोटिवेशनल सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब पेशेंट जो अच्छे से काम कर रहा था, एंजॉय कर रहा था लाइफ, बीवी बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहा था, वो पेशेंट का पूरा मूड निकल जाता है, पेशेंट कुछ भी काम नहीं कर पाता, उसका इंटरेस्ट चले जाता है, आत्महत्या के विचार आते हैं, उसके बोलते हैं अमोटिवेशनल सिंड्रोम। ऐसे अलग 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 प्रकार के गांजा या भांग के कारण लक्षण हमें दिखाई पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को आप साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाओ और ट्रीटमेंट कराओ। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी मैं अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जल्दी अगला वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद।